शताब्दी वर्ष के अंदर इस सकारात्मक वर्ष जो हमारे जीवन में नया सकारात्मक संदेश लेकर आए, नई ऊर्जा लेकर आए, नया सामर्थ्य लेकर आए, और हम सब मिलकर भारत के प्राचीन राजयोग द्वारा स्वर्णिम युग की पुनःस्थापना कर सके। मुझे खुशी है ब्रह्मा कुमारी संस्थान लगातार 8 दशकों से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से विश्व निर्माण के लिए लगी हुई है। इस संस्थान ने व्यक्ति के जीवन के अंदर एक आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक चेतना, सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के अंदर आंतरिक ऊर्जा का एक प्रभाव पैदा किया है। मुझे बहुत नजदीक से इन संस्थान की गतिविधियां, कार्यक्रम और किस तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति निर्माण में संस्था केवल इस भारत में नहीं, पूरे विश्व के अधिकतम देशों के अंदर इस संस्थान ने एक सकारात्मक परिवर्तन विश्व के अंदर मानव समाज में किया है। और मुझे खुशी है कि राजयोग द्वारा इस परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव आज भारत में भी नजर आ रहे हैं, दुनिया में भी नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आज संस्थान ने तय किया है कि हम भारत के प्राचीनतम राजयोग, योग विज्ञान, आध्यात्मिक दिशा से एक सृष्टि के अंदर एक स्वर्णिम युग की शुरुआत करें। और इसीलिए व्यक्ति के जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगा, सकारात्मक चिंतन रहेगा, तो उसके जीवन में हर आने वाली चुनौतियों का वह सकारात्मक दृष्टि से उसका समाधान करने का कार्य करेगा। और इसीलिए जितना आप राजयोग, ध्यान योग, आध्यात्मिक योग इन सब को करेंगे तो एक सामूहिक शक्ति से नए विचार उत्पन्न होंगे, नई ऊर्जा मिलेगी, कार्य करने में सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी और अपने जीवन में शांतिपूर्ण जीवन जीने की राह मिलेगी। और इसीलिए अगर सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो हमें सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिंतन, समाचार विचारों को लेकर, और जिस तरीके से दादा लेखराज जी ने इसकी शुरुआत की थी,
और कहा था स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा और सारा विश्व का एक भगवान है। और आज हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं भारत इसी आध्यात्मिक चिंतन सोच विचार आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हम सब लोग आज गौरवान्वित हैं कि हमने हमारी आध्यात्मिक संस्कृति हमारे योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्ववासी पहचान बनाने के लिए सकारात्मक काम किया है और उसके सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में हुए हैं। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग की भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हम किस तरीके से योग के माध्यम से मन शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए हमारे बीच में एक सकारात्मक वर्ष के अंदर इस संकल्प के साथ कि मानव जीवन के अंदर हम आध्यात्मिक ज्ञान संस्कृति राजयोग के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में शांति और शांति के माध्यम से नए मार्ग का प्रस्तुत करने का काम करेंगे। हमारे बीच में शिवानी बहन भी बैठी है जो अपने विचारों से अपने आध्यात्मिक ज्ञान से लाखों लोगों के जीवन में रोशनी करने का काम करते हैं। लाखों ब्रह्म कुमार लाखों ब्रह्म कुमारी दादियां जिन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है, आध्यात्मिक के लिए समर्पित कर दिया है, उनके इन्हीं प्रयासों के कारण आज इस संस्थान ने चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, समाज के हर तबके हर व्यक्ति के जीवन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक चिंतन सकारात्मक दिशा दी है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं कि आपके इन प्रयासों से कारण आज विश्व के अंदर नई दिशा मिली है। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।